अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डीकोड की लेटेस्ट डिवाइस डीकोड सिग्नल 2 प्रो की। अच्छा, इससे पहले वाला जो वेरिएंट है डीकोड सिग्नल, उसकी भी हमने अनबॉक्सिंग की हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इसका परचेज लिंक दराज का जो है मैं कोशिश करके ढूंढ के आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें डिवाइस को तो लिंक को फॉलो करके आप परचेज कर सकते हैं। इसमें जनाब 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, डीकोड जो ब्रांड है ना दोस्तों, ये ऑफलाइन में अपनी गेम खेलता है ज़्यादा, मतलब ऑनलाइन आप इसकी इतनी कैंपेन्स नहीं देख रहे होंगे, कोई इतने ज़्यादा एड्स वगैरह या वीडियोज़ वगैरह आपको नहीं मिलती हैं डीकोड की। ऑफलाइन में ज़्यादा गेम खेलता है क्योंकि ऑफलाइन का जो कस्टमर होता है ना, उसको इस चीज़ से कोई मतलब सरोकार नहीं होता कि अंदर क्या है, क्या चिपसेट लगा हुआ है, कैसी परफॉर्मेंस है, इससे कोई उनको लेना देना नहीं होता। उनको चाहिए होता है एक अच्छा लुक, डिसेंट लुक मिल जाए और दिखने में अच्छी हो डिवाइस, और ज़्यादा रैम और मेमोरी चाहिए होती है, सिर्फ ये उनको चाहिए होता है। इसीलिए ये ऑफलाइन में अपनी गेम खेलते हैं और ऑफलाइन में इनकी सेल भी अच्छी हो जाती है। और इस टाइम पर क्या मसला है कि जिस रेंज में डिवाइसेस लॉन्च की गई हैं ना इनकी, इस रेंज में डिवाइसेस बहुत कम अवेलेबल हैं और अच्छे लुक में कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा मेमोरी रैम में अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से भी इनकी गेम ज़रा हाई लेवल पे जा रही है। तो चलिए, बातें बहुत होगी, सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सिग्नल 2 प्रो की 3 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट की, और क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी। अनबॉक्सिंग के बाद इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं डीकोड सिग्नल 2 प्रो की अनबॉक्सिंग। ओके दोस्तों, ये है डीकोड सिग्नल 2 प्रो का बॉक्स। डीकोड की ब्रांडिंग है सिग्नल 2 प्रो लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। 13 MP ट्रिपल कैमरा को मेंशन किया गया, 4 कलर्स में ये डिवाइस अवेलेबल है, ब्लैक, रेड, ग्रीन और एक ये कलर है। और यहाँ पर हमारे पास जो कलर है दोस्तों, ये है मिंट ग्रीन कलर। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं इसे ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है, सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको पिन मिल जाती है सिम ट्रे को निकालने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है आपको, और साथ में मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस। चार्जिंग ब्रिक आपको दी गई है डीकोड की ब्रांडिंग के साथ। और रेटिंग की बात करें तो 5V 2A वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, 10 वाट पर आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। इसके अलावा आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और टाइप सी वाली चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है। और लास्ट में दोस्तों आपको मिल जाती है एक हैंड फ्री जो कि डीकोड सिग्नल 2 प्रो के साथ में दी गई है। तो ये है जनाब डीकोड सिग्नल 2 प्रो। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर और आपको दिखा देते हैं फर्स्ट लुक डीकोड सिग्नल 2 प्रो का। तो ये है जनाब इसका मिंट ग्रीन कलर। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली डीकोड सिग्नल 2 प्रो की, ये जनाब मिंट ग्रीन कलर है इसका, काफी खूबसूरत सा गुड लुकिंग सा कलर यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, आईफोन की थोड़ी कॉपी शॉपी करने की कोशिश की गई यहाँ पर। ग्लॉसी लुक आपको मिल जाता है, बैक साइड भी प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, लेकिन जो लुक यहाँ पर दिया गया है वो ग्लॉसी लुक है। फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है डुअल सिम के साथ, माइक्रो एसडी कार्ड आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। डिस्प्ले की यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो 6.5 इंच के एक IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है और 720 पिक्सल्स वाला ये डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन आपको 720 पिक्सल्स के मिलते हैं, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन नहीं मिलते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस मुझे नॉर्मल लगी है, डिसेंट लगी है। आउटडोर इनडोर विजिबिलिटी भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है, इतना ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पर आपको नहीं आएंगे। बाकी हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, सिंपल 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको डिवाइस मिलती है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 13 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन जो बाकी के 2 कैमरास हैं ना, उनकी समझ नहीं आ रही वो किस लिए लगाए गए हैं। ना तो यहाँ पर कोई अल्ट्रा वाइड मुझे नज़र आया है, इसके अंदर अल्ट्रा वाइड का कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही मुझे कोई मैक्रो का ऑप्शन नज़र आया है। तो बाकी के 2 कैमरास हैं किस चीज़ के लिए, किस मर्ज की दवा है, वो क्यों लगाए गए हैं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। चलें, 13 MP का एक सेंसर है, एक डेप्थ सेंसर होगा 2 MP का, और एक किस चीज़ का सेंसर है वो मुझे नहीं समझ आ रही, ना ही बताया गया, ना ही डीकोड की वेबसाइट पर बताया गया, ना ही इसके बॉक्स के ऊपर बताया गया। सिंपल यहाँ पर लिख दिया 13 MP का AI ट्रिपल कैमरा। काश मेरे पास इतना पैसा होता ना, मैं इसको खोल के चेक कर सकता कि क्या वाकई इसमें 3 कैमरास हैं भी, या सिर्फ 1 कैमरा है और बाकी 2 ऐसे ही, समझ रहे हो ना, लगा दिया। बस क्या करें यार, इतना पैसा होता तो शायद मैं इसको खोल देता आज।
चले 13 मेगापिक्सल का जी ट्रिपल कैमरा सेटअप बताया जा रहा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। क्वालिटी की यहाँ पर बात करें तो नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिलती है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। इमेजेस मैंने क्लिक किए हुई हैं इसके कैमरा से, वो आपको मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, तो आप जो है देख सकते हो खुद भी। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, नॉर्मल सी क्वालिटी आपको यहाँ पर कैमराज की मिलती है। और पोर्ट्रेट मोड में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ, बैकग्राउंड को ना बिल्कुल ऐसे धुआं धुआं कर देता है, फेक बैकग्राउंड ब्लर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एक नेचुरल सा बैकग्राउंड ब्लर जो है ये नहीं कर पाता है। तो ये इसके अंदर इशू है। बिल्कुल आप कम भी कर दोगे ना, इसके अंदर जो अपर्चर का एक दिया हुआ होता है स्लाइडर, बिल्कुल कम भी कर दोगे फिर भी आपको ऐसे ही लगेगा कि बैकग्राउंड पे जो है ना धुआं धुआं हुआ है, बैकग्राउंड ब्लर जो है एक नेचुरल होता है ना उस तरह का आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है कैमराज की वो नॉर्मल सी आपको मिलती है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कैमराज यहाँ पर आपको नहीं दिए गए इस डिवाइस। डीकोड सिग्नल 2 प्रो में जनाब आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिल जाता है। मीडियाटेक हीलियो G25 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया। और एंटूटू स्कोर्स की अगर बात करें तो 108,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर आपके यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी और सिंपल 10W की चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलती है इस डिवाइस के अंदर। तो 4 कलर्स में ये डिवाइस अवेलेबल है जनाब। एक ये ग्रीन कलर है, एक मिडनाइट ब्लू के नाम से है, एक रेड कलर है और एक गोल्डन टाइप कलर है। तो ये 4 कलर इस डिवाइस में आपको मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट में। प्राइस की बात करें तो 26,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ ये डिवाइस जो है लॉन्च की गई है, 3GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो यार इसको अवॉइड करना चाहिए। 3GB 64GB के साथ आई थिंक इसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा भी 18,000 तक होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ये इन्होंने 26,000 रुपये में लॉन्च किया है, तो मैं नहीं समझता कि ये आपको परचेज़ करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और भी रीज़न मैं आपको दूंगा इसको परचेज़ करने के लिए, कि अगर आप इसको परचेज़ करते हो ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। मतलब अगर आप 2-4 महीने परचेज करके यूज़ करते हो डिवाइस को, और यूज़ करने के बाद आप मार्केट में इसको सेल करने जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस देगी। उसकी वजह यह है कि ये एक वेल नोन ब्रांड नहीं है, अभी न्यू है ब्रांड मार्केट में, अभी 1-2 डिवाइसेज ही इनकी लॉन्च हुई हैं। तो इस टाइम पर एक रिस्क आप बोल सकते हो, रिस्क है इसको परचेज़ करना। हाँ, अगर होता ना under 20,000 की रेंज में तो फिर मैं कहता यार हाँ कंसीडर कर सकते हो आप, लेकिन इन्होंने प्राइस काफ़ी ज़्यादा रख दी है। 26,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा प्राइस होती है। और मीडियाटेक हीलियो G25 का चिपसेट है, ठीक है डे टू डे यूजेज में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, चलने में ठीक होगा, लेकिन गेमिंग वगैरह आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे यहाँ पर, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस ना वो आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेरा तो जो डायरेक्ट ओपिनियन जिसको आप कह सकते हो, सीधा सीधा ओपिनियन, सच्चा ओपिनियन वो यही है कि आप इसको इग्नोर कीजिए, 26,000 रुपये में ये लेने काबिल नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया ना, ऑफलाइन में गेम खेलते हैं ये, ऑफलाइन यूज़र को इतना ज़्यादा सरोकार नहीं होता कि वो क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, सिर्फ उनको लुक चाहिए होता है, मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है बस, बाकी उनको कुछ अता पता नहीं होता और वो परचेज़ कर लेते हैं। बाकी आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे होते हो, आप समझदार लोग होते हो, आप पहले जाकर रिव्यूज़ देखते हो क्या चीज़ है लेने के काबिल है या नहीं, तब आप परचेज़ करते हो। तो इसलिए ऑनलाइन वाले ज़रा थोड़ा ध्यान देते हैं चीज़ों पर, ऑफलाइन वाले नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इग्नोर करना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, 26,000 रुपये में आप इस डिवाइस को परचेज़ करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। आज के लिए इतने दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।